नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तुर्की ने 1,700 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। निर्वासित धर्मगुरु फतलुल्लाह गुलेन, कुर्दिश लड़ाकों या आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के संदेह पर हुई गिरफ्तारी। रूस में रेलवे स्टेशन पर बम की चेतावनी। 3 रेलवे स्टेशनों से हजारों लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस को संदिग्ध ने विस्फोटक होने की दी थी सूचना। इस्लामिक स्टेट द्वारा अगवा किए गए केरल के फादर टॉम ने की रिहाई की भावुक अपील। वीडियो संदेश के जरिए भारत सरकार और पोप फ्रांसिस से लगाई गुहार। कहा, आतंकवादियों से बचाए जान। मार्च में यमन से किए गए थे अगवा। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी की खबरों को किया खारिज। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान सरकार ने 5,000 रुपए के नोटों को बंद करने के लिए नहीं किया है कोई भी फैसला। मामले में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। और ट्रंप नामित जेसन मिलर ने संचार निदेशक का पद संभालने से किया इनकार। मिलर ने अपने परिवार को अधिक समय देने का दिया हवाला। मिलर ट्रंप के मुख्य प्रवक्ताओं में से हैं एक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।